जो आज की दूसरी मेन गेस्ट स्पीकर हैं जिनका ताल्लुक है टेक्निकल, वो टेक्निकल ऑफिसर हैं जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी में, और वो हमारे साथ जो आज बात करेंगी वो हमारे साथ बात करेंगी सिचुएशन ऑफ क्रिश्चियन गर्ल्स एंड विमेन, उनकी सोशल एंड जेंडर इनजस्टिस चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ और उनके लिए जो वे फॉरवर्ड हैं उन पे वो हमारे साथ आज बात करेंगी। मैं मैम नौरीन अख्तर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड शेयर योर थॉट्स विद अस। आप सबको शाम का सलाम। मेरे लिए नहायत ये पुरमसरत वक्त है क्योंकि बहुत सारे खूबसूरत चेहरे जो हैं वो आज यहाँ जमा हुए हैं और एक बड़ी ख़ास जगह पर जमा हुए हैं। मेरा तो रोज़ का काम है जेंडर इक्वालिटी पे बात करना, लेकिन वो काम खुले जगहों पे होता है, कम्युनिटीज़ में होता है, दफ्तरों में होता है, लेकिन मुझे खुशी उस वक्त मिलती है जब यही बातचीत जो होती है ये चर्चेस के अंदर होती है, क्योंकि इंसान से पहले ये खुदा की मर्ज़ी थी कि मर्द और औरत जो हैं वो दोनों बराबर की हैसियत और मुकाम और हक और इज़्ज़त और वक़ार जो है वो हासिल करें। सो चर्च की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, बल्कि मैं कहती हूँ एक नबवी किरदार जो कलीसिया का है, वो जेंडर इक्वालिटी है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इकुमेनिकल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की, जिन्होंने ये मुस्बत सोच को सोचा कि माशरे में सिन्फी मसावात की ज़रूरत जो है उससे किसी भी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे आज उन्होंने दावत दी कि मैं बात करूं कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियती बिलखसूस मसीही ख़वातीन की हैसियत और मुकाम क्या है। हम कितना भी खुश हो जाएं कि लड़कियां, और हमेशा कहते हैं वेमेन फर्स्ट लेडीज़ फर्स्ट, ख़वातीन घरों की इज़्ज़त हैं, ख़वातीन ये हैं और ख़वातीन का हम एहतराम करते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन जब माशरे पे हम निगाह दौड़ाते हैं तो सिचुएशन जो हालात जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बैनर बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़े पुरमाना अंदाज में हमारे सामने तैयार करके लगाया गया। इसमें दुनिया का नक्शा दिखाया गया और इसके बाद यहाँ मर्द और औरत के दो सिंबल्स को मिला के दिखाया गया। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये पता हो कि ये जो जामनी रंग के अंदर निशान है, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये औरत के लिए है, और जो ऊपर की तरफ एरो जा रहा है ये मर्द के लिए है। सो ये दोनों निशान जो हैं हमारे सामने हैं। फिर उसके साथ ही एक सुर्ख रंग के डिब्बे में एक तराजू को दिखाया गया जिसके पलड़े दोनों बराबर हैं। काश, मेरे दिल से तो रोज़ दुआ निकलती है कि इस माशरे के अंदर ये पलड़े बराबर ही रहें, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। ये एक पलड़ा मर्द वाला ऊपर है और जो ख़वातीन का पलड़ा है वो नीचे है, और वो इस चीज़ की अकासी करता है कि जिस माशरे में, जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ सिन्फी मसावात नहीं है। वो जो पैदाइश की किताब, तकवीन की किताब, उसके पहले बाब में खुदा ने जेंडर इक्वालिटी का तसव्वुर हमें दिया कि पस खुदा ने मर्द और औरत को अपनी शबी पर बनाया और दोनों को बरकत दी और कहा फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो, और फिर कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, हम इसके लिए एक मददगार बनाएंगे, हम मददगार कि मर्द अधूरा है उसको पूरा करने के लिए। कायनात की तस्वीर, जिसको इकबाल ने कहा वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वो कायनात में रंग तो पैदाइश की किताब में खुदा ने कह दिया, इकबाल ने इसको लफ्ज़ दे दिए। सो वो जो जेंडर इक्वालिटी है वो कहीं है तो हम इसकी सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान का झंडा जो उम्मीद का रंग भी है, इस उम्मीद पर कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, हमारे पास मौके भी हैं, हमें मायूस नहीं होना क्योंकि खुदा का कलाम हमें उम्मीद की नवीद देता है। यीशु मसीह की तालीमात चारों की चारों अनाजील और बाइबल की सारी ख़वातीन जो हैं वो हमें पुर उम्मीदी से लबरेज करती हैं। सो जेंडर इक्वालिटी जब मैंने कहा कि दुनिया भर का मसला है और बिलखसूस गरीब मुल्क जिनमें पाकिस्तान शामिल है, और आप शायद हैरान हों या इससे भी ज़्यादा परेशान हों कि जब आप जेंडर इक्वालिटी या सिन्फी मसावात की लिस्ट पर नज़र दौड़ाते हैं
तो पाकिस्तान का नंबर नीचे से दूसरे नंबर पर है कि जहाँ ख्वातीन की हैसियत उनका मुकाम मर्दों से कहीं ज़्यादा कम तर है। और यही वजह है कि ख्वातीन को कहा जाता है कि वो अपने इंसानी हकूक से महरूम रखी गई हैं। पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में सिन्फी मसावात का डायरेक्ट ताल्लुक इंसानी हकूक से है। सिन्फी मसावात उस वक्त कहीं ना कहीं गैर हाजिर हो जाती है, वो नज़र नहीं आती, क्योंकि औरतों को, ख्वातीन को उनके इंसानी हकूक से महरूम रखा जाता है। बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि ये हकूक शायद कोई बड़ी लग्जरी है, हमें कोई बड़ी मॉडर्न सोसाइटी में रहना है तो हमें हकूक मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है। जैसे सिस्टर जी ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि इनकलाब, तब्दीली जो है वो ग्रास रूट से आती है, झोंपड़ियों से आती है, कच्चे इलाकों से आती है, क्योंकि वहाँ ज़िंदगी की तज़मीन की जाती है। वहाँ रहने वाले लोग अपने खुराक के हक़ से महरूम हैं, अपने ज़िंदगी के हक़ से महरूम हैं, सेहत के हक़ से महरूम हैं, तालीम और ऐसे बहुत सारे हकूक़ से महरूम रखे जाते हैं। ये खुदा की मर्ज़ी हरगिज़ नहीं है, ये मेरी और आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि अगर मैं चर्च में खड़ी हूँ तो खुदा का कलाम कहता है और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। ग़ुलामी खुदा की मर्ज़ी नहीं की जा रही है। क्यों सिन्फी मसावात बहुत ज़रूरी है? क्योंकि माशरे में अमन लाना है। जिनकी थोड़ी सी अक्कासी सिस्टर जी ने अपनी बातों में की कि जब लड़का पैदा होता है तो हमारे रवैये कैसे होते हैं, जब लड़कियां पैदा होती हैं तो हमारे रवैये कैसे होते हैं। बात तरबियत की आए तो हम हमेशा लड़कियों की तरबियत की बात करते हैं, कभी हमने लड़कों की तरबियत की बात नहीं की। लड़कियों को हम तहफ़ुज़ देना जानते हैं कि घर से निकलो तो ऐसे निकलना, 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना, हद बंदियाँ करते हैं। लड़कों की बात करते तो हमने कभी नहीं कहा कि बाहर जाती हुई लड़कियों का एहतराम करना है, किसी को छेड़ना नहीं है, किसी की तरफ देखना नहीं है। तरबियत की बात आए तो फिर हमें ये पलड़ा बराबर रखना होगा। घरों के अंदर अगर मर्दों की तरबियत की जाए तो सिन्फी मसावात कहीं ना कहीं आ सकती है। सकाफ़ती रसूमात की नफ़ी करना होगी कि शादियों की फ़िक्र से ज़्यादा हमें ख़वातीन और लड़कियों की तालीम, उनके रोज़गार की बात करनी होगी, उनकी जायदाद के हक़ की बात करनी होगी, उनके विरासत के हक़ की बात करनी होगी। क्यों ख़वातीन सारी ज़िंदगी कमाई करती रहती हैं और जब घर खरीदने की बारी आती है तो वो घर मर्द के नाम पर ख़रीदा जाता है और घर के बाहर एक नेम प्लेट लगाई जाती है, फलां का घर। ये हक है, ये आईनी हक है, हमने कभी क्लेम नहीं किया। बहुत दफ़ा ख़वातीन अपने भाइयों, अपने बाप, अपने अंकल और जो भी ख़ानदान के मर्द हैं उनकी इज्जतों पर अपने सारे हकूक निछावर करती हैं। विरासत के हक़ की बात करने से हम सारे बहुत डरते हैं, विरासत होती ही कितनी है, लेकिन उसके ऊपर भी हमारी ज़ुबानों को बंद कराया जाता है। तो फिर ये सारे जो मौशी हकूक हैं उनकी बाइख्तियारी की बात है, ये कैसे पूरी हो सकती है? तो ये पलड़ा जो है ये फिर कभी बराबर नहीं हो सकता। थोड़ा वो बात हो कुएं पे सामरी औरत से बात करने की, या उस औरत से बात करने की जिसको 12 बरस से खून जारी था, या वो मरियम जो सारे काम छोड़कर यीशु के कदमों में पढ़ने लिखने के लिए बैठी है, या वो जनाकार औरत जो जना करके आई थी, अपनी सजा की उम्मीद लिए थी लेकिन यीशु उसे माफ़ करता है। सिन्फी बराबरी तब हो सकती है जब हम सही तौर पर अपने ख़ानदानों में, मसीही ख़ानदानों में खुदा की मर्ज़ी, खुदा का कलाम, खुदा की सच्चाई और बाइबल की आज़ादी की तरबियत करेंगे। ये सिन्फी मसावात बड़ा गंभीर उन्वान है, क्योंकि जिन बाइबल की ख़वातीन ने मुश्किल ज़िंदगियां गुजारी और जिनके नाम शायद बाइबल में गुमनाम हैं, उनके नाम ही नहीं हैं, वो सामरा की रहने वाली औरत, वो मगदला की रहने वाली औरत, वो फलां की बीवी, वो फलां की बहन, उनको इन नामों से याद रख। लेकिन इन्हीं सारी ख़वातीन की फहरिस्त के अंदर हम हुल्दा को ना भूलें, हम हन्ना को ना भूलें, हम अबीजाइल को ना भूलें, हम उस ख़वातीन को ना, उन ख़वातीन को ना बोलें जिन्होंने गिनती की किताब में अपने विरासत के लिए, हक़ के लिए मूसा जैसे नबी को चैलेंज किया। हम आस्तर, हम बैतशबा, हम नोमी, हम इफ्रा,
हम शिप्रा इन सारी ख्वातीन की आज़ादी की जंग और तहरीक को याद रखें। घरों के अंदर हेरासमेंट की बात कर लें, हरासानियत की बात कर लें, तो बहुत दफ़ा हम चुप रहते हैं, हम बात करने से घबराते हैं। रियासत, मज़हब, माशरा, हमारा ख़ानदान, ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो हमें एक डिग्निफाइड, एक पुरवकार, एक पुर अजमत ज़िंदगी फराहम करें। मज़हब की जबरी तब्दीली और फोर्स मैरिजेस, जबरन शादियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम इस मुल्क में होती जा रही हैं, और एक पूरा माफिया जो है वो इसको और ज़्यादा तकवीयत दे रहा है, और हम सिर्फ बहुत दफ़ा दुआएं करने पर ही तफा करते हैं। बाइबल का खुदा एक्टिविस्ट खुदा है, दुआएं अपनी जगह बरहक और सुनी जाती हैं, लेकिन जब तक हम खुद अमलन कुछ नहीं करेंगे, ये तब्दीली, ये सिन्फी मसावात का ख्वाब जो है ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हमें ऐसी मरियम बनने की ज़रूरत है जो आज जब अलिसबात के घर के सहन में जाए तो कहे कि मैं खुदावन की बंदी हूँ और अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। अब अलकादर ने क्या काम किया है कि उसने भूखों को, मेरे और आप जैसे लोगों को, अच्छी रोटी से सेक किया है, और उसने दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। मौशरती और मौशी शऊर रखने वाली मरियम जो अपने गरीब बहनों और भाइयों के साथ खड़ी है, ऐसी मरियम बनने की ज़रूरत है। आज के इस खूबसूरत शाम में जहाँ बहुत सारी संजीदा बातें मैं कर रही हूँ, वहाँ एक उम्मीद भी देती हूँ कि ये सिचुएशन जो है ये परमानेंट या मुस्तकिल रहने वाली नहीं है। खुदा हमें बेदार करता है कि आज हम पाकिस्तान के अंदर वो लड़कियाँ जो दूसरों के घरों में काम करती हैं, जिनको हम डोमेस्टिक वर्कर कहते हैं, उनके साथ खड़े हों, सड़कों पर झाड़ू फेरने वाली उन ख्वातीन की आवाज़ बने जो सालहा साल से इक्तसादी तशद्दुद का शिकार बनी हैं और बनती जा रही हैं। आज उन पैरामेडिकल लड़कियों की तरफ देखें, वो नर्सेज हों, वो डॉक्टर्स हों, वो उनका कुछ भी होता हो जो अस्पताल में अपनी ड्यूटी के दौरान सेक्सुअल हेरासमेंट का शिकार होती हैं, खेतों में काम करने वाली वो ख्वातीन जिनको शायद उनकी मजदूरी ही नहीं दी जाती क्योंकि वो अपने मर्दों का साथ देते हैं, वो अपने हक से महरूम हैं, भट्टा पर काम करने वाली उन छोटी छोटी लड़कियों को जो साल हर साल अपने ख़ानदानों के कर्जों के नीचे दबी हुई हैं और अपनी ज़िंदगी रोज़ हारती और रोज़ मरती हैं, ऐसे लोगों को ईस्टर की नवीद, ईस्टर की खुशखबरी देने की ज़रूरत है। अगर ये ख्वातीन इन भट्टों, इन सड़कों, इन घरों, ऑफिसेज और काम करने वाली जगहों पे हरास होती रहीं, ज़िंदगी को हारती रहीं, तो फिर हमारे लिए यीशु अभी भी कब्र में ही है। घर के कामों, घर को चलाना, खुदा ने कहा फलो फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो, तो मामूरी और महकूमी के अंदर दोनों का हाथ है, फिर सिन्फी मसावात हो सकती है। पिछले दिनों टेलीविजन पे लिखा कि मेटर्निटी लीव जो है उसके साथ साथ पेटेंटी लीव भी पाकिस्तान में दी जाएगी कि जब बच्चा पैदा होगा तो बाप को भी छुट्टी मिलेगी। मैंने कहा ये तो तशद्दुद एक और बढ़ जाएगा, क्योंकि छुट्टी तो उसने ले लेनी है, काम उसने करना नहीं है। तो ये पाकिस्तान में तो ये कानून ज़रा हमें भारा पड़ जाएगा, तो बेहतर है कि वो दफ्तर ही जाए ताकि कुछ काम का बोझ जो है वो कम रहे। ठीक है, सो ये जितने सिन्फी रोल्स हैं, किरदार हैं इसमें, और ये देखें इसके ऊपर फिर कभी बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो सारे काम हैं इनका मुआवजा नहीं है, तो इसलिए ख्वातीन अपने मौशी बाइख्तियारी, मौशी खुशहाली से भी दूर होती जाती हैं जब उनके पास पैसे नहीं होते, जब उनके पास कोई जायदाद नहीं होती, तो फिर उनकी फैसला साजी की कुव्वत जो है वो भी कम हो जाती है। बहुत दफ़ा जब करंट अफेयर्स की बात आती है, सियासत की बात आती है, तो कहते हैं ये ख़वातीन का काम नहीं है।
ख्वातीन वो चैनल देखें जहाँ खाना पकाने की रेसिपीज आ रही हैं। सियासत को समझने की ज़रूरत है, सियासत को समझेंगे, सियासत का शऊर लेंगे तो तभी सियासत में शमूलियत हासिल कर सकेंगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल, कहाँ आपको लीडरशिप की तरफ जाना है, कहाँ आपको आवाज़ उठानी है। तो ये सारे माइक्रो फाइनेंस और बिजनेस में क्रिश्चियन कम्युनिटी को आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज हम बहुत पसमानदा रहते चले जाएँगे। वो तमाम सहूलतें जो रियासत ख्वातीन के लिए छोटे कारोबार छोटे से की देती है, इनमें हमें आगे करना। सकाफती सरगर्मियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा हम क्रिश्चियन लोग अपने मोहल्लों में अपनी आबादियों में रहना पसंद करते हैं और अपने आप को दूसरों से आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं। हमें इस रियासत में रहते हुए सकाफती हुकूक को समझना होगा कि हर शहरी के माशरती और इक्तसादी हुकूक के साथ साथ सकाफती हुकूक भी हैं। सो ऐसी सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा लेना होगा कि हम अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ मिलकर तरक्की की राह पर गामजन हो सकें। और आखिरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यस्सु की दी गई तहरीक को समझना होगा। यस्सु की दी हुई ख्वातीन के हकूक की जद्दोजहद को समझना होगा कि यस्सु की खुशखबरी क्या है। यूहन्ना 10 बाब उसकी 10वीं आयत कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ, कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। और ये आयत मेरे आपके लिए, सब मर्दों के लिए, सब ख्वातीन के लिए, खुदा करे कि इस खित्ते में बसने वाली हर एक खातून ज़िंदगी पाए और कसरत से पाए। आमीन।